प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। अयोध्या से मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं प्रदेश के मंदिरों में बीजेपी ने सफाई अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान विधायक पंकज सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और झाड़ू लगाकर सफाई की, साथ ही हनुमान जी की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पंकज सिंह ने कहा कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहा है, आइए पूरे इस मसले को लेकर आपको सुनवाते हैं। लखनऊ से रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब इसके बारे में देखिए, इंडिया अलायंस के बारे में तो मैं क्या बोलूं, अब ये उन दलों का मुद्दा है, उनके अलायंस का मुद्दा ढंग से बना भी नहीं है और बिखरने के कगार पे है, उन लोगों का मुद्दा है। इस पर हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इस पर वही लोग अगर अपना जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सर, आप संगठन में भी उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या इंडियन गठबंधन के कुछ ऐसे नेता जो है आपसे भारतीय जनता पार्टी में फरवरी में क्या कुछ गठबंधन करने के लिए? बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और कोई भी इसमें कहीं पर भी जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास के दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं।